हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनु। दोस्तों, अभी तो ठंडा पड़ गया है और स्किन रूखी सूखी बेजान होने लगे हैं, स्किन ड्राइनेस होने लगे, स्किन फटने लगे हैं। तो सबसे पहले चाहिए क्या? एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर। तो मैं आज आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर के बारे में जानकारी दूंगी। क्या प्राइस है, कहाँ पे मिलेगा, क्या क्या चीज़ें डाली हुई और किस किस परेशानियों में आप इसको यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, ठंडा पड़ गया है और स्किन ड्राई होने लगी है। क्यों ड्राई होने लगे है? क्योंकि ठंडा में पसीना नहीं होता और ठंडी हवा स्किन को ड्राई कर देते हैं, जिसके वजह से आपको कोल्ड क्रीम की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिल्क एंड स्टे विथ एलोवेरा कोल्ड क्रीम के बारे में। ये जो क्रीम है, इसको आप एज ए एंटीसेप्टिक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बोरोलिन यूज़ करते हैं कटने पे, छीलने पे, फोड़ा फुंसी कोई भी चीज़ में आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको एज ए एंटी रिंकल क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों का एज 30+ हो गया है और रिंकल आने लगे हैं। एज ए कोल्ड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए पिंपल रिमूवल क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों का पिंपल होने का टेंडेंसी है, वो लोग इसको यूज़ करेंगे तो पिंपल्स चला जाएगा और फिर से नहीं आएगा। एज ए फेयरनेस क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोल्ड क्रीम बहुत तरह का होते हैं और लगाने के बाद स्किन आपका बिल्कुल एक काला सा हो जाता है स्किन। तो इसकी वजह से ये जो क्रीम है, इसमें जो जो चीज़ें डाली है, वो आपको मॉइस्चराइज तो करेगा ही आपकी स्किन को, साथ ही साथ में फेयरनेस लाएगा। तो एज ए एंटी रिंकल, एज ए फेयरनेस क्रीम, एज ए एंटीसेप्टिक और पिंपल्स रिमूवल, सारी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और भी कई तरह का इसका गुण है, जो कि स्किन में दाग धब्बे को भी ये धीरे धीरे लाइट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये क्रीम में क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, उसके बाद हम बताएंगे इसका क्या प्राइस है, किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ पे आपको मिलेगा, सारी चीज़ें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ डाली हुई है। इसमें है एक्वा, मतलब वाटर डाली हुई है। इसमें पेट्रोलियम जेली डाली हुई है, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। कैलेंडुला डाली हुई है, जो कि एंटीसेप्टिक का काम करेगा। अगर पिंपल्स भी होता है लेकिन स्किन ड्राई है, तो आप इसको यूज़ करोगे तो पिंपल्स चला जाएगा और पिंपल्स का जो इन्फेक्शन है उसको धीरे धीरे ख़त्म करेगा। इसमें डाली हुई है पैराबिन और अल्कोहल एज ए प्रिजर्वेटिव डाली हुई है। इसमें है एलोवेरा, जो कि स्किन का जो रिंकल्स है ये सारी चीज़ों को दूर करता है। सिल्क एंड स्टे क्रीम में बी वैक्स भी डाली हुई है, जो कि मधुमक्खी का जो घर है उनमें जो वैक्स रहता है, वो अगर आप डायरेक्टली यूज़ करोगे, स्किन अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई है हुआ है पूरे बॉडी में लगाओगे, तो पूरा स्किन को आपको ये मॉइस्चराइज करेगा और ड्राइनेस को घटाएगा। तो इसमें बी वैक्स भी डाली हुई है। इसमें वीट एमिनो एसिड डाली हुई है, जो कि स्किन का फेयरनेस को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपका कहीं पे भी कट जाए, छिल जाए, फोड़ा फुंसी कुछ भी हो, बोर्डन यूज़ करते हैं वैसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ये कहाँ पे आपको मिलेगा। ये कोई भी होम्योपैथी शॉप में आपको मिलेगा, ऐसा कोई भी होम्योपैथी शॉप नहीं है जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके आप घर के आसपास में होम्योपैथी शॉप नहीं है, तो मैं इसका लिंक दे दूंगी, मेरी डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो, डायरेक्ट आपको आपके घर में आ जाएगा। करते इसको लगाना कैसे, इसको जिनका एज 16+ है तब से लेके कोई भी यूज़ कर सकता है। कितना दिन यूज़ करना है, आप जब तक ठंडा का मौसम रहेगा, स्किन ड्राई रहेगा, तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। कितना बार यूज़ करना है, दिन में 2 बार यूज़ करना है। पहले फेस को अच्छे से धो लो, फिर सुखा लो, फेस जब आपका ड्राई हो जाएगा तब आपको एज ए कोल्ड क्रीम इसको यूज़ करना है। तो आपका स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज हो जाएगा और स्किन में एक अच्छा ग्लो लाता है। ये बॉय गर्ल कोई भी यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप बॉय हो तो आप यूज़ नहीं कर सकते। कोल्ड क्रीम स्किन में सबको ज़रूरत पड़ती है। इवन आप इसको हाथ में, पैर में, जहाँ पे भी फट रहा है आपका स्किन, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हो। तो आपको एक बार सुबह लगाना है, जब आप कहीं पे जा रहे हो, फेस को धो लो, फिर लगा के फिर आप ऑफिस चले जाओ, घर पर रहो। अगर अच्छा फेस वॉश के बारे में आप सोच रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ, आप थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर और बेसन मिक्स करके उसको आप हफ्ते में 3 दिन लगाते हो विथ वाटर, और फिर फेस को धो के ये क्रीम लगाते हो, तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ज़्यादा अच्छा आपका स्किन रहेगा। क्योंकि स्किन को पहले तो आपको क्लीन कर लेना है, नहीं तो डेड स्किन जम जाएगा, फिर उसके ऊपर क्रीम लगा तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो फेस वॉश मस्ट है, आफ्टर फेस वॉश इसको यूज करना है, और रात को सोने से पहले भी या इवनिंग को भी आप इसको यूज कर सकते हो, एज ए नाइट क्रीम ही इसको यूज कर सकते हो। किसमें, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें डली हुई है वो एंटी रिंकल क्रीम की तरह भी काम करता है, तो आप रात को लगा के भी इसको सो सकते हो, नहीं तो इवनिंग को भी लगा सकते हो, इसके ऊपर पाउडर भी लगा सकते हो। अगर कहीं पे आपको जाना है, आप चाहते हो थोड़ा सा और फेयरनेस, तो आप इसके ऊपर
पाउडर भी हल्के से पफ कर सकते हो। आप बात करते हैं इसका प्राइस क्या है, ये 50 ग्राम का क्रीम है और इसका प्राइस है 50 रुपीस। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, मतलब पूरा मार्केट में अगर सबसे सस्ती मॉइस्चराइजर आपको ज़रूरत है तो ये है सिलिकॉन स्टे क्रीम। लेकिन ये इसमें जो जो मेडिसिन डाली हुई है जो कि आप फेस को तो मॉइस्चराइज करेगा ही, उसके साथ साथ एंटी पिम्पल क्रीम की तरह काम करेगा। पिम्पल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन एज ए रिंकल एंटी रिंकल क्रीम की तरह काम करते हैं, एंटी सेप्टिक क्रीम की तरह काम करते हैं। बच्चे को भी फोड़ा फुंसी अगर होता है, कट जाए छिल जाए उस पर ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का और वीडियो चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे चाहते हो अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए तो मेरे नाम से सर्च कीजिएगा, आपको मैं इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगी। मैं अनुष्वा फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।